हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में। यहाँ आप इसे कह सकते हो हैशटैग बायकॉट मालदीव्स मोमेंट। इस वीडियो में हम वो बात नहीं करेंगे जो बाकी वीडियोस में की जा रही है। इस वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। चैप्टर 1, व्हाट इज मालदीव्स। मालदीव्स एक बहुत ही खूबसूरत जगह है बीचेस के लिए। मालदीव्स में बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर वाटर पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लग्जरियस रिसोर्ट्स भी मौजूद है टूरिस्ट के लिए। पर आखिर क्यों इंडियंस हैशटैग बायकॉट मालदीव्स मूवमेंट कर रहे हैं? चलिए इस सिचुएशन को अनपैक करते हैं रेस्पेक्ट के साथ। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। पहला, जीएसटी ऑन ट्रैवल पैकेजेस। रिसेंटली गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में बहुत इजाफा हुआ है मालदीव ट्रैवल पैकेजेस में, जिसकी वजह से ये मालदीव्स और भी महंगा हो गया है इंडियन टूरिस्ट्स के लिए। दूसरा, लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज। कुछ रिसर्चेस बताती है कि मालदीव्स रिसोर्ट्स में हायरिंग फॉरेन वर्कर्स की होती है और उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू इंडियंस। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है, रिसेंटली मिस्टर पीएम मोदी ने विजिट किया था लक्षद्वीप पे और वहाँ की बीच पे भी गए थे और वहाँ के लग्जरियस रिसोर्ट्स पे भी गए थे और वहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर को भी एक्सप्लोर किया और फिर उसने ट्वीट किया लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ के बीच के लिए। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई मालदीव्स की अथॉरिटीज के लेके। फिर यहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। चैप्टर 3, फाइंडिंग सॉल्यूशंस। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहला, ओपन कम्युनिकेशन एंड डायलॉग। ये दोनों इंडियन एंड मालदीव्स अथॉरिटीज एंगेज हो सकते हैं एक ओपन डायलॉग में और एड्रेस कर सकते हैं इन कंसर्न्स को, जैसे कि जीएसटी या अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। अब मालदीव्स की अथॉरिटीज इंप्लीमेंट कर सकती हैं एक सस्टेनेबल टूरिज्म को हर एक इंडियन के लिए, जो इस जगह को और भी एक्सप्लोर कर सकती है। तीसरा, फैक्ट चेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया एंगेजमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन सेपरेट हो रही है या जो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसको अवॉइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे जो पॉजिटिव चेंज ला सकती है। चैप्टर 4, मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 1, रिमेम्बरिंग द बिगर पिक्चर। मालदीव्स और इंडिया, ये दोनों एक डीप कल्चर और हिस्टोरिकल टाइज को शेयर करते हैं और ये जो टेम्पररी इशू खड़ा हुआ है ये ओवरशैडो नहीं कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बिटवीन द टू नेशंस। नंबर 2, फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एंगेजमेंट। हमें अब हाईलाइट करना चाहिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को जो भी इंडियन टूरिस्ट्स हैं मालदीव्स में और इन दोनों अथॉरिटीज को रिबिल्ड करना चाहिए ट्रस्ट को, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो सकता है। नंबर 3, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। भी ट्रैवलर्स हैं वो एडवोकेट कर सकते हैं एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को और एक रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शन कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज के साथ। कंक्लूजन, रिमेम्बर, बायकॉट करना एक पूरे नेशन को, इसके बहुत सारे गलत नतीजे हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए और जो भी लाइवलीहुड है उसको भी इम्पैक्ट कर सकती है ये कॉन्फ्लिक्ट। ओपन कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया पे फोकस कर सकते हैं एक सोल्यूशन के ऊपर, जिसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी थॉट्स को शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।